हुकूमत के। वेलकम बैक मैम। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट साहब भी हैं। ये भी प्रभु का दीदी है। हम और अपना समान दिन का बात है, बहुत महीना काफी महीना ये ले लो जो सामान को। नहीं मैं ये तो इन लोगों का प्यार और बरप्पन है कि हम हार कर आए फिर भी इन्होंने दिल खोलकर हमारा स्वागत सत्कार किया। ये हम बहुत खुश नसीब है, हम इस धरती के हम बच्चे हैं जहाँ के माता पिताओं का दिल इतना बड़ा है। थैंक यू। इसी टेनिस कोर्ट में 28 दिन धरने पर बैठे थे। मैं एक दिन भी उनसे मिलने यहाँ नहीं आई क्योंकि मैं भी इधर उधर अपनी कामों में बिजी थी। करप्शन का पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग डेट्स निकालने के लिए मैं दौर भाग पिछले साल से कर रही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ नहीं आई थी। और मैं कभी भी सपना में भी नहीं सोचा था तो को शीतल एक दिन इस टीम का हिस्सा बनेगा बोल के। तो जब ये लोग यहाँ से पद यात्रा करके निकले थे तो 3 दिन के बाद में 4th day में मैंने महसूस किया कि अरे ये बच्चा लोग सचमुच में जा रहे तो पैदल ना, इतना गर्मी में गर्म दिन में सचमुच में पैदल जा रहे। तो हम भी तो करप्शन हमेशा हम तो करप्शन का अगेंस्ट में ये आईजी पार्क में कितना बार हम गला फाड़ चुका है रैली कर करके। आकाशदीप से रैली करके आता है, वहाँ आरके मिशन से रैली करके आता है, कभी यहाँ से रैली शुरू करके उधर सिद्धार्थ हॉल जाता है। इतना रैली कर चुका है हर सरकार में, चाहे वो कांग्रेस का सरकार रहा हो, चाहे पीपीए का सरकार रहा हो, चाहे आज बीजेपी का सरकार है। पार्टी से मुझे मतलब नहीं है, सरकार चाहे किसी भी दल का हो, लेकिन जब जब करप्शन हुआ है तब तब तोको शीतल हमेशा रास्ता में निकला है। चाहे मेरा आवाज किसी को पसंद आए नहीं आए, हम हमेशा निडर होकर के बेफिक्र होकर के बेबाकी के साथ में हम बोला है। हम औरत जरूर है लेकिन इस औरत वाली शरीर के अंदर भी एक इंसान का दिल धड़कता है।
तो एक इंसान होने के नाते जब कभी मुझे गलत लगा मैंने बोला, आवाज उठाया, किसी का मैंने फिक्र नहीं किया। आज तक, आज मेरा 42 साल का उम्र है, 42 साल का उम्र में आज तक मैं किसी का घर में एक कप चाय मांगने के लिए नहीं गया। मैं ऐसा ही हूँ इंसान। ताकत के साथ में आप लोगों ने जिस प्यार और मोहब्बत के साथ में हम सब का स्वागत सत्कार किया, ये महा ऐतिहासिक स्वागत सत्कार था। चाहे 4 लोगों ने मिलके किया या 400 लोगों ने मिलके किया या 4000 लोगों ने मिलके किया, संख्या से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है उस स्वागत करने वालों की दिल की जज्बात से कि वो कितनी शिद्दत से हमारी स्वागत कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है आप लोगों का प्यार, आप लोगों का अपनापन कि आज भी हमारे इस माता अरुणाचल में, हमारे अन्य अरुणाचल धरती में आप जैसे पवित्र दीदी, आप जैसे पवित्र बहन, आप जैसे माता पिता, आप जैसे भाई, आप जैसे भैया चाहने वाले बहुत ज्यादा है, जो समझते हैं कि एक मूवमेंट को लॉन्च करने के बाद एक एक्टिविस्ट की जिंदगी की कैसी होती होगी और किस स्थिति से वो गुजर के आए होंगे। इन सब चीजों को आप सब भले बातें समझते हो, इसलिए हम सब का अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन टीम का आपने स्वागत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ मेरा अपना फैमिली, मेरा लविंग सिस्टर्स, सो ब्यूटीफुल, इतना सुंदर लग रहा है, सब लोग ड्रेस कोड में आया है, समझ में नहीं आ रहा है कौन जवान है कौन बुरी है, सब मुझसे छोटी दिख रही है, सारे आता लोग, मैं आप सब से बुरी लग रही हूँ, थैंक यू सो मच। और मेरा आता और मेरा बहन दोनों ने आज रिकॉर्ड तोड़, कौन अभी पूछ रहा था लेडी ड्राइवर डिपार्टमेंट में होता है कि नहीं, डिपार्टमेंट का तो मैंने नहीं देखा, लेकिन आज मेरा दोनों सिस्टर्स को महिंद्रा पिकअप बोलेरो चला के हमको यहाँ तक पहुँचाते हुए देखा है, थैंक यू सो मच। यही जगह वापस आ गया, यही जगह से हमने शुरुआत किया था, यही पे पूरा मीडिया लगा हुआ था साहब, जिस दिन हमने सेंस प्रो में आपका जुलाई 23, 2022 वहां से लेके हमने यहाँ पे शुरुआत किया था, और पद यात्रा हमने अगस्त 21 से लेके लगभग हमने 1.5 महीना या 2 महीना पकड़ लीजिए, हमने दिल्ली पे अपने जो पद यात्रा था कंप्लीट किया। आप लोगों का कहना था, जनता लोगों का कहना था कि आप लोग नहीं सकेगा, बहुत नेगेटिव बोला लोग, बहुत सा कहा था कि आप लोग दिल्ली नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन हम लोग ने दिल्ली पहुंच के दिखाया। और किसी किसी का माता पिता जिसका आशीर्वाद था, जिन लोगों का आशीर्वाद था, उन लोगों से कहना था कि आप लोग कुछ मत कीजिए, गाड़ी से जाइए, आप लोग बस दिल्ली पहुंचे, वो है प्यार। लेकिन हमने ऐसे नहीं किया, हाँ मेरा हमने गाड़ी भी किया, मजबूरन में चलना पड़ा, वो सिचुएशन भी आप सबने देखा, किस कौन सा प्रॉब्लम के कारण से हमने गाड़ी चलना शुरू किया था वो आप सबने देखा। माना कि हमने 2400 किलोमीटर कंप्लीट नहीं किया, लेकिन लगभग तो हमने 1500 या तो 19 किलोमीटर तो चला हमने, है कि नहीं। हमने जो केंद्र यहाँ का जो राज्य सरकार या स्टेट सरकार से हमने जितना मांगा था जस्टिस के लिए, करप्शन के लिए जितना मांगना था हमने मांगा, लेकिन हमें जस्टिस नहीं दिया। लेकिन तब जाके हमने केंद्र सरकार के पास हमने किया, हमने वहां पे मेमोरेंडम सबमिट किया, प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को, पार्टी प्रेसिडेंट को, होम मिनिस्टर को, सबको सबमिट किया, लेकिन एक भी किसी से कोई रिप्लाई नहीं आया। हमने बार बार ऑफिस भी किया, पार्टी ऑफिस भी गया, बीजेपी पार्टी जो कहता है भारतीय जनता पार्टी होकर, उनका ऑफिस में बार बार करा किया कि सर कब आएंगे, प्रेसिडेंट सर कब आएंगे, लेकिन हमेशा कहता था कि उस समय में गुजरात में कुछ इलेक्शन था, तो गुजरात के इलेक्शन के कारण से बिजी था शायद, तो ऐसे होने के कारण से हमने बार बार आना जाना किया, कुछ हमसे हमारा कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो देखिए जनता लोग, हम वहां पे हार के नहीं आया, हमारा सर मेरा जितना कैबिनेट आपको बताया, हमने अपनी ओर से जितना संघर्ष किया था क्या, वो कहता है ना किसी इंसान ने सही कहा था, लोहा जितना तपता है उतनी ताकत बढ़ता है, सोने पर जितनी आग लगे वो उतना प्रकट निकलता है, हीरे पर जितनी तार लगे वो उतना चमकता है, सूरज जैसा चलना है तो सूरज जैसा बनना होगा, नदियों से आदर पाना है तो पर्वत चोर निखरना होगा, हर एक संकट का हाल होगा वो आज नहीं तो कल जरूर सफल होगा। ये एक हमारा जो मतलब एक मोटिवेशन है, आज नहीं तो फिर कभी जरूर होंगे, नहीं नहीं बोले से हमने तो 99% तो हमने कभी किया ही है। खुद को बोलता है कि हम लोग समाज के लिए काम करते हैं और जीरो टॉलरेंस काम करते हैं। और आईजी पार्क में आप सभी ने सुना था, अब शायद आप सभी ने सुना होगा, जब नरेंद्र मोदी आया था
अरुणाचल का बाल्टीन चेद हो गया है, चेद वाला बाल्टीन में पानी नहीं भरेगा, तो वही चेद वाला बाल्टीन में अभी पानी भरते जा रहा है। तो हम लोग ने यह उम्मीद करके हम लोग दिल्ली गया था, दिल्ली पैदल जाके हम लोग ने वहां ये जानने को मिला है हमको, ये 8 महीना में दिल्ली जाके हमको इतना ही जानने मिला है कि ये अरुणाचल का गवर्नमेंट और दिल्ली का गवर्नमेंट अंदर से मिला हुआ है। बराया जब हमने पूत मार्च किया था तो दिल में तो थोड़ा दुख हुआ था क्योंकि हम पहुंच पाएंगे दिल्ली तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, फिर जब आप लोग का हौसला ने हम लोग को आशीर्वाद हम लोग के लिए इतना प्यार दिया, इतना पे किया, तो हम लोग का जोश और बढ़ गया। आप लोग का वजह से हम जितना भी रास्ते में पूत मार्च किया है ऐसा कुछ हादसा भी नहीं हुआ है और किसी को ऐसे दुख तकलीफ भी नहीं हुआ, ऐसे बीमार भी नहीं हुआ, ये सब आप लोग का बदौलत से हुआ है, आप लोग का प्यार से और आप लोग का आशीर्वाद से। इसलिए आप लोग को फिर अगेंस्ट थैंक यू। हमारे जितना कैपेबिलिटीज है, हमारे जितना एबलनेस है, उसी के तहत उसी के मुताबिक हमने कार्य किया है, हमने संघर्ष किया है, करप्शन को हमने देखा है। अरुणाचल का कौन ऐसा ऑफिसर, कौन ऐसा पॉलिटिशियन बोल सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में करप्शन नहीं है? मैं उस इंसान को, उस व्यक्ति को चैलेंज करना चाहता हूं, आपको आंखों देखी फेस टू फेस ऑफ करके हमको, हम आपको हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक कोने में, हर एक गली में करप्शन को हम दिखा सकते हैं आपको प्रमाण के साथ। जो करप्ट लोग है, जो हमारे जनता का जो पॉकेट को लूटता है, जो पब्लिक का